फाइनली अब हम जा रहे हैं नीचे। What up, Sorgers? Hope you guys are doing great. अच्छा यार, अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं और मैं पहुंच चुका हूं शारजा के नियाजी अड्डे। मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं इतनी ज़्यादा बसेज हैं। तो सीन आज का कुछ ऐसा है कि हम लोग जा रहे हैं जबल जेज, जिसका के सफ़र है 1.5 घंटे का, 1.5 से 2 घंटे का सफ़र है यहाँ से। तो हम लोग वहाँ पर करने जा रहे हैं ज़िप लाइन। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ है मेरी टीम। या तो हम लोग तीनों जा रहे हैं आज जबल जेज, वहाँ पर जो दुनिया की सबसे लंबी ज़िप लाइन है वहाँ पर हम लोग जा रहे हैं ज़िप लाइन करने। मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है, मुझे नहीं पता कि क्या सीन होने वाला है। यार, आप में से कभी किसी ने की है ज़िप लाइन? फर्स्ट टाइम है मेरा भी। फर्स्ट टाइम, तो होप सो कि हमें ज़्यादा डर ना लगे और हम लोग बच जाएं। अच्छा गाइस, तो हमारी जो बस है वो चली थी 6 बजे और 7 बजे तक हम लोग रसल खैमा पहुँच गए थे और उसके बाद वहाँ से हमने कैब ली। सॉरी, मैं वहाँ पर व्लॉग नहीं कर सका क्योंकि मैं ज़रा थोड़ा नींद में था। और वहाँ से हमने कैब ली और अब हम लोग पहुंच चुके हैं जबल जेज। आप लोग मेरे पीछे देख सकते हो सारे के सारे पहाड़ और अभी हम लोग बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर हैं और अभी हम लोग वेट कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग पहुंच चुके हैं पार्किंग 16 पर। यहाँ पर हम लोग पहुंच चुके हैं, यहाँ पर हम लोग वेट कर रहे हैं ज़िप लाइन वालों की गाड़ी का। वो लोग उनकी गाड़ी आएगी यहाँ से हमें पिक करके और फिर वो हमें ऊपर लेकर जाएगी और फिर वहाँ पर हम लोग करेंगे ज़िप लाइन ट्राई। तो अभी मेरी उनसे बात हुई थी, वो कह रहे थे कि तकरीबन आधे घंटे तक गाड़ी आ जाएगी। तो अभी हम लोग अपनी कैब में बैठ के वेट कर रहे हैं उनका। तो होप सो जल्दी आ जाए और होप सो कि हमारा ये जो हम ट्राई करने वाले हैं ज़िप लाइन ये अच्छा जाए। अभी मुझे डर भी लग रहा है थोड़ा थोड़ा। पहले तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था लेकिन अब मुझे डर लग रहा है क्योंकि मैं यहाँ से देख रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर है। तो जब ज़िप लाइन ट्राई करूँगा तो चाल अल्लाह मुझे। So I just need you, two of you, to fill a river for me. What is that? And for each, it says like, yeah, you were responsible for doing this activity. Okay. Yeah. And if I die? Huh? If I die? You won't die, no worries. Okay. चलिए, तो अभी हमारा पेपर वर्क हो चुका है जिसमें कि हमने साइन कर दिए कि अगर ज़िप लाइन करते हुए हमें कुछ हो जाता है तो उसके ज़िम्मेदार ये लोग बिल्कुल भी नहीं होंगे। ये बहुत ही क्या करते हैं यार, ज़िम्मेदारी कोई बंदा ले लेता क्या हो गया। और ये अज़र भाई इज़ ऑल्सो फ्रॉम पाकिस्तान और ये आज के हमारे टूर गाइड हैं। इन्होंने हमें सारा कुछ एक्सप्लेन किया है और ये जो सारा पेपर वर्क करवाया ये इन्होंने हमारे से करवाया और अभी हम लोग इनके साथ जा रहे हैं ऊपर। ये हमारी बस है जो हमें ऊपर लेकर जाएगी, तो फिर चलते हैं ऊपर ब्रेक के बाद। अच्छा गाइस, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म पे, यहाँ से हम लोग लॉन्च करेंगे। ये आप लोग देख सकते हो कि बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ से, ये सारा का सारा लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म है और यहाँ से हम लोग लॉन्च करेंगे। ऑन द वे वो वहाँ पर जाएंगे नीचे, अगर आप लोगों को नजर आ रहा हो। GoPro start on. GoPro go on? Yeah. Alright, your hands down. Here? Like yeah. A push up. Like push ups. Yeah. Your hands straight down. Your legs back. Yeah, both legs. Relax your body completely. Lift your legs even straight. Yeah. I can understand, not the best feeling in the world. Go down. यार जो लोग मुझे देख रहे हो, अगर कभी मैंने अपनी ज़िंदगी में अभी तक जाने जाने में किसी को अगर मैंने दुख पहुंचाया हो या दिल तोड़ा हो तो मुझे माफ़ कर देना। ज़िंदगी का कोई पता नहीं होता। और मैं अपने पेरेंट्स को मेंशन करना चाहूँगा जिनको बिल्कुल भी नहीं पता कि मैं ऐसे कारनामे यहाँ पे सर अंजाम दे रहा हूँ। मामा बाबा, अगर आप लोग देख रहे हो, आई लव यू बहुत। लेट्स फ्लाई। Relax your body completely. All right. Okay. Yeah. Exactly. Grab. Breathe. 3, 2, 1. Woohoo!
सही सलामत पहुंच गए। आए अच्छा, अब ये सीन ये है कि मैं इसको ऐसे से खींच रहा हूँ वायर को, क्योंकि आप लोगों के भाई का वजन थोड़ा कम है, जिसकी वजह से मैं नहीं पहुंच सका। तो अब रोप को खींच खींच के आगे जाना पड़ रहा है भैया, लेकिन मज़ा है यार, आई एंजॉयड अ लॉट, बहुत मज़े की थी। एंड मैं हाइट से नहीं डरता, तो आज मैं चेक करना चाहता कि मैं कितनी हाइट से नहीं डरता। इसके नेक्स्ट मैं स्काई डाइविंग करूँगा। डायरेक्टर साहब नहीं आए अभी तक। Oh my God, finally. डायरेक्टर की तो हार गई, बाय बाय। तो गाइस अभी मैं वापस आ चुका हूँ जबल जेस फ्लाइट को एक्सपीरियंस करके, बहुत ही मज़े की थी। अगर आप लोग यहाँ पर आते हो और अगर आप ये फ्लाइट मिस कर जाते हो तो आप आने का फ़ायदा कोई नहीं है। मैं आगे ये आपको रिकमेंड करूँगा, अगर यहाँ पर आते हो तो इसको मस्ट ट्राई करो, आप यहाँ के आने के पैसे पूरे ज़रूर करना ट्राई।